गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नेम इज सेंटेंसेस वेयर आई एम पॉइंटिंग माय पेन इज द नेम रिटर्न ऑफ चैप्टर सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वॉट इज सेंटेंस अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वेइंग अ कम्प्लीट मीनिंग सेंटेंसेज हमारे शब्दों का समूह होता है जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करता है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगेंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग अपॉन वॉट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़ हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड होते हैं फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस जो है वो हमारा किस प्रकार का है Exclamation is made made like this. Question mark is made like this, and full stop we are using at the end of sentence. For example, Sanchit is playing football here. Sanchit is playing football, Sanchit played football. raha Rahe. Here, Sanchit S is capital, and it is ending with full stop. Second example is what a fine idea. It is ending with exclamation mark and first letter is capital. Like this, we are using the stop and capital letter exclamation mark and capital letter in the sentences now we will discuss about kind of sentences there are five kind of sentences which you will read in this chapter number 1 declarative sentence number 2 interrogative sentence number 3 imperative sentence number 4 exclamatory sentences and the last is

इन सेंटेंसेस का हम उपयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल दे आर माई क्लासमेट्स मीन सपोज डेट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आप बोल रहे हैं दे आर माई क्लासमेट्स ये मेरे क्लासमेट्स हैं सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिस इज नॉट माई बॉल जब कभी भी हम किसी चीज़ की एश्योरिटी करते हैं कि ये चीज़ मेरी है या नहीं डिक्लेयर करते हैं दैट इज नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस हेयर सेम थिंग इज हैपनिंग दिस इज़ नॉट बाई दिस इज़ नॉट माई बॉल या बॉल मेरी नहीं है सो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकलेटिव सेंटेंस नाउ द सेकेंड वेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वॉट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिस सेंटेंसेज आर यूज टू आस्क क्वेश्चन जब कभी भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है क्वेश्चन पुटअप करना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क् से एंड होते हैं हेयर आर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव नंबर वन वॉट हैव यू प्लान फॉर द फ्यूचर तुमने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया है हेयर क्वेश्चन मार्क इज देयर एट द एंड ऑफ सेंटेंस सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर वेयर डू यू लिव तुम कहाँ वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो एंड इट इज ऑल्सो एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क्स सो दीज टू एग्जाम्पल्स और इंटरोगेटिव इंप्रोगेटिव सेंटेंसेज हमेशा क्वेश्चन मार्क्से एंड होंगे और इसमें भी पहला लेटर कैपिटल बनेगा थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंसेस वाट आर इंपरेटिव सेंटेंसेज वाट आर द यूज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस दीज सेंटेंसेज आर यूज टू गिव कमांड मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस जब कभी भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है कमांड देना होता है या एडवाइस ऑफर करनी होती है तो हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कम हेयर क्लोज द टू दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंप्रो Imperative sentence. Suppose the teacher is coming in your class and saying, Sit down, stand up. So these are the command and orders that she is giving to you. That comes under imperative sentences. Now, fourth one is exclamatory sentences. What are these sentences? These sentences are used to express strong feelings. Means, whenever we are expressing our strong feelings, we need some word or the sentences to express.

It is ending with exclamatory mark. What a shame. It is also ending with exclamation mark. So these two are the examples of exclamatory sentences. Now the last affirmative and negative sentences. Affirmative sentences are always used for positive statement. You have to remember this point that affirmative sentences are also known as positive statements. An affirmative, an affirmative. सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस डेट कन्वेज एन इंफॉर्मेशन जब कभी भी हमारे सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कन्वे करते हैं किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन डेट आर एफरमेटिव सेंटेंसेस सर सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस और एफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं फॉर एग्जांपल अयन इज़ रनिंग यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आयन के बारे में कि अन दौड़ रहा है अयान इज़ रनिंग

अन इज़ नॉट रनिंग इन एफर्मेटिव सेंटेंस पीछे था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस में अन इज़ रनिंग बट हेयर इट इज़ रिटेन नॉट नॉट वर्ड आ गया नॉट हमें निगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करेगा दैट्स वाई अन इज नॉट रनिंग अन् दौड़ नहीं रहा है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल इज द फ्रिज हैज नथिंग इन इट फ्रिज में कुछ भी नहीं है यहाँ पर हमारा नथिंग वर्ड जो है ये हमें निगेटिव मीनिंग प्रोवाइड Correct. so this is negative sentence the phrase has nothing in it now one thing more you have to read in this chapter that how to convert affirmative sentence into negative sentences conversion of affirmative to a negative sentence we can convert an affirmative to a negative sentence by using not and it forms like no nor nothing etc means हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं नॉट का यूज़ करके या उसकी कुछ और फॉर्म्स का यूज़ करके इसकी सम फॉर्म्स सम अदर फॉर्म्स वी हैव टू यूज नॉट एंड अदर फॉर्म आल्सो लाइक नो नॉर नथिंग इसका यूज करके हम सेंटेंसेस को निगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हेयर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन आई एम गोइंग टू स्कूल मैं स्कूल जा रही हूँ इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू निगेटिव सेंटेंस आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ हेयर नॉट वर्ड इज यूज सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस लाइक दिस वी हैव टू कन्वर्ट एफर्मेटिव इंटू नेगेटिव सेंटेंस सेकेंड एग्जाम्पल माई फ्लाइट इज ऑन टाइम मेरी फ्लाइट टाइम पर है दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस बट वी हैव टू चेंज इन निगेटिव सो वी विल राइट माई फ्लाइट इज नॉट ऑन टाइम मेरी फ्लाइट टाइम पर नहीं है सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस Like this, we are using never, nothing, no, not, etc. These words are used for changing affirmative sentences into negative sentences.